बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानियल खान और आप देख रहे हैं दानी ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। संडे का दिन, आज है बहुत बड़ा मैच, T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान का काफ़ी टफ टीम के साथ है फाइनल, लेकिन जहां अल्लाह ने पूरे वर्ल्ड कप में हमारी मदद की है, इंशाल्लाह आज फाइनल में भी मदद करेंगे। सब पाकिस्तानियों की दुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओपनिंग परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कैच वगैरह जो ड्रॉप होते हैं तो ये ड्रॉप ना करें। बाकी इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आज जश्न मनाएगा इंशाल्लाह, अगर ट्रॉफी पाकिस्तान लेके आया तो। आज तो वैसे भी संडे है, हर जगह ऑफ होता है, जॉब्स वगैरह बिजनेस भी संडे को ज़्यादा बंद ही होते हैं, तो जॉब्स जो जो करते हैं उनको भी ज़्यादा ऑफ ही होता है, तो हमें भी ऑफ है स्कूल के बच्चों को, तो जगह जगह स्क्रीन लगेंगी। हम भी इंशाल्लाह डिसाइड करते हैं हमने घर में मैच देखना है या फिर हम किसी स्क्रीन पे जाएंगे। कंफर्म होगा मैच से 1-2 घंटे पहले कि हमने मैच किधर देखना है। अगर कज़न घर आ जाते हैं वो भी अच्छा है, सारे मिल बैठ के एंजॉय कर लेंगे। अगर कहीं अच्छी जगह स्क्रीन लगी है तो उधर ज़्यादा क्राउड होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ठंड प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है और जैकेट्स वगैरह निकाल लिए हैं, अभी नहाना है, फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने हैं, तो नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे कि हमने मैच किधर देखना है। नहा के अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिए, शलवार कमीज पहन ली है, अब करेंगे गर्मा गर्म नाश्ता। नाश्ते में है गर्मा गर्म चाय, पराठे, अंडे, पालक, बहुत कुछ है, तो अभी नाश्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिए, गर्मा गर्म चाय पिए। चाय तो गर्मियों में दिल ही नहीं करता पीने पर और सर्दियों में ज़बरदस्ती हम बनवाते हैं, क्योंकि सर्दियों में इतना मज़ा करती है ना चाय। मौसम अब देख लें, फुल बारिश वाला हुआ है तो कंफर्म नहीं है कि मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बारिश बताई गई है, मेरे ख्याल से 90% बताई है, लेकिन अल्लाह ना करे बारिश हो, बारिश होगी तो मैच डिले हो जाएगा। अगर लगातार लगी रही तो फिर मैच कैंसिल हो जाएगा, शायद अगले दिन चला जाए, लेकिन फिर वो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। मंडे होगा, स्कूल जाएंगे तो सारा मैच ख़राब हो जाएगा, इसीलिए दुआ करते हैं बारिश ना हो। पाकिस्तान में तो बारिश है देख लें आप, और अभी तक सूरज निकला ही नहीं है। चले भाई मैच स्टार्ट होने लगे, 10 मिनट रह गए हैं मैच स्टार्ट होने में। अभी नेशनल एंथम हो रहा है दोनों टीम्स का, फिर उसके बाद टॉस और मैच स्टार्ट। ना ही हमारा कोई प्लान बना है बाहर जाने का, फिलहाल इंग्लैंड का नेशनल एंथम हो रहा है जी, इसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम। पाकिस्तान की पहले बैटिंग, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ओपनिंग पे निकले हैं। दुआ है अच्छा खेलें, पावर प्ले स्टार्टिंग अच्छी लें, तो पावर प्ले में अगर 70 तक स्कोर हो फिर इंशाल्लाह अच्छा टारगेट जाएगा, तो यही दुआ है कि बाबर आजम और रिजवान बहुत अच्छा खेलें। तो मैच स्टार्ट, बॉल ही नो बॉल, फ्री हिट, पहली बॉल ही। रिजवान फ्री हिट पे क्या करता है, वाइड बॉल, जीरो बॉल दो स्कोर बरकरार है, जीरो बॉल पे दो स्कोर। देखते हैं रिजवान क्या करता है फ्री हिट पे। ओ मिस यार, फ्री हिट मिस कर दी। एक ओवर 8 स्कोर, एक ओवर में 8 स्कोर लगा है, नाइस 8 8। ओवर की फर्स्ट बॉल वाइड बॉल, बहुत प्रेशर है बहुत दोनों टीम्स पे। थर्ड ओवर की फर्स्ट बॉल हो चुकी है, 12 स्कोर है, तो अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। ब्यूटीफुल रिजवान, रिजवान ने छक्का मारा बहुत प्यारा, लेग साइड है, वुड नहीं है, वुड नहीं है, रिजवान आउट हो गया। 39 स्कोर बना है पावर प्ले में, और मेरा ख्याल था पावर प्ले में 50-55 स्कोर होना चाहिए था। रिजवान की विकेट भी हमें लॉस हुई है, तो उसे मेरे ख्याल से चोट लगी थी और इन साइड एज पे आउट हुआ है। फिर उसके बाद आया हारिस, थोड़ा प्रेशर ले रहा है, 6 बॉलें उसने मिस किए हैं, फिर जाके एक चौका मारा है, लेकिन यही दुआ करते हैं कि 170 से अबव टारगेट हो, 200 के नज़दीक हो या 180 के नज़दीक भी हो, लेकिन 150 से अप हो, फिर जाके हमें बॉलरों पे उम्मीद है इंशाल्लाह, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं इधर से बैठ के। तो हारिस भी आउट, कैच दे के चला गया हाथों में, और
68 स्कोर 10 ओवरों में कंप्लीट हो चुके हैं, ब्रेक हुई है अभी, दो विकेट्स गिर चुकी हैं और 68 स्कोर है। तो विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए थी, लेकिन चलें अब मैच का हिस्सा है, वो भी बॉलिंग कर रहे हैं, खेलने आए हैं, वो भी ट्रॉफी जीतने के लिए आए हैं। तो स्कोर थोड़ा सा कम है, अगर इधर होता 80-90 स्कोर तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन चलें अभी ब्रेक हुई है, नमाज़ पढ़ते हैं जोर की, नमाज़ पढ़ने गए उसके बाद एक ओवर अच्छा लग गया, अच्छा खास और काफ़ी अच्छा स्कोर बन गया। चलें जी 11 ओवर 84 स्कोर, 3 आउट हो गए, बाबर भी गया, इफ्तिखार भी गया, नहीं शादाब अच्छा खेल रहा है, अल्लाह करे शादाब और शान दोनों चल जाएं, स्कोर अच्छा हो जाएगा। 14th ओवर की तीसरी बॉल हुई है और 94 स्कोर, शान अच्छा खेल रहा है लेकिन उसके साथ भी कोई हो ना। ऑफ ऑफ खाली पड़ी हुई है, ओ नहीं डबल 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 160 खेल रहे हैं दोनों, अगर ये दोनों खड़े रहे ना स्कोर हमारा इंशाल्लाह 160 से बफ बन जाएगा इंशाल्लाह। 16 ओवर चल रहा है और कितना स्कोर है, 113 16 ओवर चल रहा है और 113 शॉट ओ रोक लिया, ये जिसने रोकी है ये सैम करन, गुड हो गया, गुड गुड नाइस, 12-12-20 शदा पे भी ना, 119 स्कोर 16 ओवर में, शान मसूद भी गया 121 पे 5 आउट, सूरत हाल ठीक नहीं है पाकिस्तान की, 126 पे 6 आउट और 18th ओवर चल रहा है, बहुत मुश्किल बना देते हैं पाकिस्तानी, होता है कोई पता है बड़ी बाउंड्री है लेकिन कोई एक तो परफॉर्म करता है ना, बेशक प्रेशर हो, 6 के 6 बंदे गए हैं, कोई भी इतना अच्छा नहीं खेल के गया, 32-33 स्कोर ही है, कोई स्कोर तो नहीं है, 126 स्कोर है अभी, तो 150 से अबव टारगेट हो तो तब ही जाके हमारे थोड़े चांसेस बनेंगे, वो फाइटिंग होता है स्कोर, वरना तो उससे कम स्कोर होगा तो फिर तो आराम से इंग्लैंड वाले सिंगल डबल पे जीत जाएंगे। लास्ट ओवर रह गया 131 स्कोर है, देखते हैं अब लास्ट ओवर में जितना स्कोर बनेगा फिर इतना और टारगेट होगा 131, अगर आखिरी ओवर में 15 स्कोर भी लग जाता है ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स की लास्ट बॉल 136 स्कोर है, देखते हैं क्या बनता है, मिस, 138 का टारगेट है, 8 आउट उन्होंने किए हैं, फाइटिंग टारगेट ही नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन देखते हैं अब बॉलर्स पे अगर विकेट्स ले लेते हैं तो फिर शायद चांस बने, लेकिन उम्मीद जिस तरह थी उस तरह उन्होंने खेला नहीं है पाकिस्तानियों ने। अगर पाकिस्तान मैच जीत गया मेरी तरफ से रोमान को एक जिंगर बर्गर और साथ कोल्ड ड्रिंक, इंशाल्लाह तुम दुआ करो पाकिस्तान मैच जीत जाए, फिर J7 में भी लगी है फूड कोर्ट जिधर उस दिन हमने खाना खाया था, स्क्रीन लगी है, अगर फाइटिंग स्कोर होता तो फिर हम जाते, मज़ा आता देखने का, रश भी होती तो शुगर मेला लगता, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि मैच घर में ही बैठ के देखें तो बेहतर है, बस अब दुआ है शहीन विकेट ले जाए और अच्छे, अगर पावर प्ले में अगर स्कोर कम रखें ना वो लोग, 30 से ज़्यादा उन्हें ना मारने दें और एक दो विकेट्स गिरा लें फिर थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन दूसरी टीमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड ये प्रेशर भी नहीं लेते, इनका समझ नहीं आती। सेकंड इनिंग्स 3-2-1 प्ले स्टार्ट हो गई है, सेकंड इनिंग्स दुआ है, फर्स्ट बॉल ऑफ सेकंड इनिंग्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एल्स आउट, शेन शाह ऐसी विकेट चाहिए हमें, लड़की का पोस्टर दिखा रहे थे हेल्स एंड बटलर वी वेयर शेन इज हेयर, वो बिल्कुल ठीक था, अभी शेन ने माशाल्लाह लास्ट बॉल के पहले ओवर की लास्ट बॉल पे विकेट ली है, बोल्ड की है, सेकेंड ओवर नसीम शाह का, अल्लाह करके इसमें भी एक विकेट गिर जाए, 7 स्कोर 1 विकेट। विकेट ले लिया है
अल्हम्दुलिल्लाह। 45 स्कोर पे 3 आउट और पावर प्ले का लास्ट ओवर जा रहा है, 2 बॉल्स रह गई रिक्वायर्ड, 6.5 है स्कोर उनका, ठीक है बस अभी विकेट्स चाहिए हमें। पावर प्ले में 49 स्कोर बना उनका और 3 आउट पावर प्ले में हमने किए हैं। शादाब इंशाल्लाह अगर विकेट ले लेना, शादाब को ओवर दिया है 7th ओवर, 27 स्कोर 3 आउट और 11th ओवर जा रहा है, विकेट्स चाहिए 3 विकेट्स हैं, 2-3 और जगह पर गिर जाएं। 58 बॉल्स पे 61 स्कोर, शादाब को विकेट मिल गई, 4th विकेट आउट, ब्रूक भी आउट, ऐसे ही 3-4 और विकेट्स गिर जाएं। शेन ने कैच पकड़ा, 22 बॉलों पे 20 स्कोर रह गए, मैच खत्म, 2 ओवर्स में 100 स्कोर रह गए, 10 बॉलों पे 6 स्कोर रह गए, 5 विकेटें हैं, सिंगल लें वो जीत जाएंगे। हार गए, एक और वर्ल्ड कप अपने हाथ से चला गया, इस बार तो बहुत उम्मीदें थी यार कसम से, मैं तो डिसाइड कर रहा था कि चलो बाहर जाएंगे, स्टार्टिंग में मैंने रुमान को बॉल भी दिया था अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का कुछ भी खिला दूंगा, लेकिन चलें क्या कर सकते अब, हाँ शुक्र है मैं बाहर नहीं देखने गया, यही मैं और रुमान जा रहे थे, J7 स्क्रीन लगी है उधर और शुक्र है उधर नहीं गए, क्योंकि बाहर जाते हैं तो उधर ज़्यादा फिर डिसार्ट होता है बंदा। चलें कोई नहीं, इन्होंने एक्स्ट्राज भी बहुत दिए हैं, टारगेट मैंने पहले बताया था अगर 150 से ज़्यादा होता तब जाके थोड़ा टफ मैच बनता, उन्होंने बस अच्छा खेला है। शाइन भी इंजर्ड हो गया था, शाइन की 5 बॉलें रह गई थी, वो इन्होंने इफ्तिखार को दे दिए हैं तो उसने आते साथ ही चौके छक्के खा लिए और मैच उधर ही ख़त्म। मुझे समझ नहीं आ रही मैं व्लॉग कैसे एडिट करूँगा और कैसे डालूँगा, लेकिन चलें। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, इस बार तो इतना यकीन था पता नहीं कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इस जगह पर पाकिस्तान के हारने पे कुछ पाकिस्तानी जो होते हैं वो टीम को बुरा भला कहते हैं और गाली गलौच वगैरह देते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं कीप इट अप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, और कुछ होते हैं जो मेरी तरह कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। यही कहते हुए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह दोबारा वर्ल्ड कप आएगा, दोबारा पाकिस्तान फाइनल में आएगा और इंशाल्लाह जीतेगा, हम दुआई कर सकते हैं और तो इधर से बैठे हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी थोड़ी सी गलतियां थी वो अगर ना होती तो क्या पता अभी ट्रॉफी हमारे हाथ में होती, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबाएँ, मज़ीद यूँ सपोर्ट करते रहें, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।